नेशनल वोटर्स डे। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ ही लोगों का प्रशासन है। लोकतंत्र की अवधारणा लोगों की सरकार, लोगों के लिए और लोगों द्वारा, यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल पर आधारित है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार वोट करने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार प्रत्येक वयस्क नागरिक को हासिल है। इस अधिकार से लोग अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं। आपका स्वागत है बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के 25 जनवरी के एपिसोड में। आज है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और मेरा नाम है संदीप भट्ट। 25 जनवरी 1950 के दिन भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। आगे चलकर इस दिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी को बढ़ाना है। सशक्त लोकतंत्र के लिए पुरुषों के साथ महिलाओं की भागीदारी होना भी अहम है। चुनाव आयोग का बल एक मजबूत लोकतंत्र बनाने पर है, जिसके लिए सबकी भागीदारी अहम है। दोस्तों, बंगाल शुरू से ही बौद्धिक लोगों की जन्मभूमि रहा है। हमारी ये हस्ती बंगाल की बौद्धिक भूमि में जन्मी और अपने लेखन कार्य के लिए जानी गईं। वो कवि और नाटककार रहे। उनका जीवन दर्द में ही बीता और उस दर्द को उन्होंने अपनी लेखनी में उतार दिया। उनका लिखा महाकाव्य नाटक मेघनाद बोध काव्य दिल को हिला देने वाला नाटक माना जाता है। उन्होंने लेखनी और जीवन दोनों में प्रयोग किए और उनका नाम है माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन जी का जन्म ईस्ट बंगाल में 25 जनवरी 1824 को हुआ। ये जगह अब बांग्लादेश में है। उनका बचपन का नाम मधुसूदन दत्त था। माइकल जब बड़े हुए तो घर वाले उनकी शादी करवा रहे थे। शादी से बचने के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और माइकल नाम रख लिया। उस समय वो हिंदू कॉलेज से पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ से उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए माइकल ने बिशप कॉलेज ज्वाइन किया। इसके बाद वो लंदन चले गए, जहां उन्होंने बैरिस्टर बनने का फैसला किया। लंदन में रहना माइकल को बहुत महंगा पड़ा और वो फ्रांस चले गए, लेकिन पैसे की कमी के कारण माइकल की हालत तंग होती चली गई। ऐसे समय में उनका साथ दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। उनकी मदद से माइकल बैरिस्टर बनकर कोलकाता आए और यहाँ उन्होंने कुछ समय वकालत भी की। लेखन के क्षेत्र में माइकल बचपन से ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन प्रतिभावान होने के साथ वो खुद के सबसे बड़े दुश्मन भी थे और बहुत ज्यादा तनाव और दूसरे निजी कारणों की वजह से वो वकालत में करियर बनाने में असफल रहे। वकालत के बाद माइकल ने लेखन शुरू कर दिया। अपनी पहली पत्नी रिबेका से संबंध टूटने का दुख माइकल को बहुत हुआ था। ये दुख बाद में उनकी कविताओं और नाटकों में देखा गया। ट्रेजेडी से भरे इन नाटकों को बहुत सफलता मिली। बांग्ला कविता में उन्होंने बहुत से प्रयोग किए। उस समय के महाकाव्य नाटक लेखकों में वो अग्रणीय थे। उनके काव्य नाटक बांग्ला साहित्य में अलग ही स्थान रखते हैं। बांग्ला साहित्य में माइकल मधुसूदन दत्त के योगदानों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। देखो मादा शेरे मोने एमिनो टिकोरी पादे देखो मादा शेरे मोने एमिनो टिकोरी पादे शादीते मोने रोशन घटे जोदे परो माद मधुहीन करो ना गो
तब मन को कोलादे रे को मादाशे रे मोने एमिनोती कोरी पादे रे को मादाशे रे मोने। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित और सबल बनाने के लिए सेवा सदन की स्थापना की। वो देश की बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता रहीं। 19वीं शताब्दी की वो अग्रणीय महिला अधिकार कार्यकर्ता थीं। हम बात कर रहे हैं रमाबाई रानाडे की। रमाबाई का जन्म आज ही के दिन 1862 में हुआ था। उनका जन्म स्थान महाराष्ट्र का सांगली जिला था। उनकी शादी महान समाज सेवक महादेव गोविंद रानाडे जी से हुई थी। उनके पति नौकरी के साथ साथ सामाजिक कार्यों से भी जुड़े थे। रमा जी के पति ने उन्हें पढ़ाई के लिए बढ़ावा दिया और भयंकर सामाजिक असमानता के उस दौर में रमाबाई पढ़ने लिखने लगी। मराठी से शुरुआत करने के बाद उन्होंने जल्दी ही अंग्रेजी भाषा भी सीख ली। वो समाचार पत्र पढ़ती और ज्वलंत मुद्दों के बारे में अपने पति के साथ विचार विमर्श भी करती। पढ़ाई के बाद रमा जी के पति ने उन्हें सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने को कहा। गोविंद रानाडे जी के मार्गदर्शन पर चलते हुए रमा जी ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थाएं बनाई। इसके बाद उन्होंने सेवा सदन सोसाइटी की भी स्थापना की। इसमें हजारों महिलाओं ने भाग लिया। सेवा सदन सोसाइटी पुणे में बनाई गई। इन संस्थाओं की स्थापना के बाद उन्होंने अब अपना पूरा जीवन महिलाओं को सबल बनाने के लिए लगा दिया। इसी कड़ी में रमा जी ने पुणे में एक स्कूल की स्थापना भी की। पब्लिक लाइफ में रमा जी बहुत अच्छी वक्ता थीं। उनके भाषण दिल को छू जाने वाले होते थे। वो मराठी और अंग्रेजी दोनों में भाषण देने में सक्षम थीं। रमा जी ने मुंबई में आर्य महिला समाज की भी स्थापना की। 1893 से 1901 के बीच उन्होंने बहुत सामाजिक कार्य किए। उनके द्वारा स्थापित संस्थानों ने महिलाओं की शिक्षा, कानूनी अधिकार और महिलाओं के समान हकों के लिए लड़ाई लड़ी। सेवा सदन ने महिलाओं को नर्सिंग के प्रति बढ़ावा दिया। सेवा सदन ने नर्सिंग कोर्स शुरू किया और इसमें बहुत सी लड़कियों और विधवाओं ने भाग लिया। रमा जी ने बाल विवाह के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। 1904 में उनकी मदद से ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस आयोजन के लिए रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और श्री भाजेकर जैसे बड़े नेताओं ने रमा जी से उनका नेतृत्व मांगा था। ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस का पहला सत्र मुंबई में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता रमा जी ही कर रही थीं। पुणे में उनके रहते हुए सेवा सदन में लगातार विकास हुआ। रमा जी ने अपने पति की मृत्यु के बाद भी सामाजिक कार्यों को जारी रखा। वो लगातार बाल अनाथालयों और अस्पतालों में लोगों से मिलने जाती और उन्हें जरूरत की चीजें वितरित करती। 1913 में वो मदद लेकर अकालग्रस्त गुजरात में भी पहुंची थी। रमा जी की 1924 में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र क्षति कहा था। रमा जी की वजह से लाखों विधवाएं सेवा सदन से शिक्षित हुईं और कार्य भी करने लगी। रमा जी केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की महिलाओं के लिए प्रेरणा है। वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा हमारी ये हस्ती भी रही। ये हस्ती इतनी बड़ी है कि इन्हें द फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है और ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक रहे हैं। उन्होंने रसायन विज्ञान में बहुत बड़े योगदान दिए हैं। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट बॉयल की। रॉबर्ट का जन्म आज ही के दिन 1627 में लिजमोर काउंटी वाटरफोर्ड में हुआ था। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा घर में ही प्राप्त की। पढ़ाई को लेकर रॉबर्ट बहुत अनुशासित थे। 11 साल की उम्र में पढ़ने के लिए उन्हें इंग्लैंड के एटन कॉलेज में भेज दिया गया। यहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ समाज की सच्चाइयों को भी देखा। उन्होंने अपने शिक्षक के साथ इस समय यूरोप टूर भी किया। 1644 में रॉबर्ट बॉयल इंग्लैंड आकर रहने लगे और उन्होंने लेखन में करियर की शुरुआत करने की सोची। शुरू में उन्होंने लेखन की शुरुआत बड़ी ही पवित्र और धार्मिक सामग्री लिखकर की, लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान विज्ञान की ओर जाने लगा।
विज्ञान को और अच्छे से लिखने के लिए उन्होंने 1649 में अपने घर में एक प्रयोगशाला बना दी। 1655 में वो ऑक्सफोर्ड गए, जहां वो प्राकृतिक दार्शनिकों के समूह में शामिल हो गए। ये समूह 5 साल बाद रॉयल सोसाइटी के रूप में स्थापित हुआ। इसी जगह पर उन्हें रॉबर्ट हुक मिले। रॉबर्ट ने बॉयल को बहुत से प्रयोगों में मदद की और दोनों ने मिलकर एयर पंप का निर्माण किया। इससे उन्होंने हवा के प्रति कई जानकारियां जुटाई। उन्होंने अपने प्रयोगों से जाना कि हवा जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अपनी इन जानकारियों को उन्होंने 1660 में टचिंग द स्प्रिंग ऑफ द एयर एंड इट्स इफेक्ट्स और द स्केप्टिकल केमिस्ट में लिखा। Perhaps his most famous discovery is called Boyle's Law. It describes the relationship between pressure and the volume of a gas. As pressure increases, volume decreases, and vice versa. Boyle's most famous published work is called The Skeptical Chemist, which seems to be the first time the word chemist is used instead of alchemist. In his book, Boyle argues against the alchemical view of the world. Instead, he argues that particles of some kind, he calls them corpuscles, combine in various fashions to form different substances. It is an almost modern view of matter, and a great leap forward from the alchemical view that everything is composed of 4 elements, earth, wind, fire, and water. उन्होंने हवा की मात्रा और दबाव में व्युत्क्रम संबंध पाया। वर्तमान समय में ये संबंध रॉबर्ट के नियम के नाम से जाना जाता है। रॉबर्ट ने ही ये जानकारी सबसे पहले दी थी कि कोई भी तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रत्येक रासायनिक पदार्थ का गठन कणों की सामूहिक रचना से हुआ है। इसके अलावा रॉबर्ट बॉयल ने ही सबसे पहले गैस के नमूने इकट्ठे किए। रॉबर्ट बॉयल का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में न भूलने वाला योगदान रहा है। वो सही मायनों में रसायन विज्ञान के जनकों में से एक है। आज के कार्यक्रम के अंत में हम एक ऐसी हस्ती की बात करेंगे जिन्होंने अपनी आवाज की खुशबू से पूरे 90 का दशक महकाया। उन्होंने अपने समय के बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। कई फिल्मों के गाने उनकी आवाज का जादू लिए हुए हैं। 90 का दशक उनकी कामयाबी का गवाह है, लेकिन इस कामयाबी के लिए उन्होंने बड़े धैर्य से अपने संघर्ष के दौर को पार किया। हम बात कर रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति की। कविता कृष्णमूर्ति का जन्म आज के दिन 1958 में दिल्ली में हुआ था। वो तमिल अय्यर परिवार से ताल्लुक रखती हैं। संगीत के लिए बचपन से ही उनमें जुनून था। इस जुनून को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी चाची श्रीमती भट्टाचार्य जी से शिक्षा पाई। कविता कृष्णमूर्ति की चाची ने उन्हें रविन्द्र संगीत सिखाया। कविता कृष्णमूर्ति जी ने गायक बलरामपुरी से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। संगीत की इस तालीम का असर दिखा और 8 साल की उम्र में एक संगीत प्रतियोगिता में कविता जी ने गोल्ड मेडल जीता। कविता जी ने बहुत सी संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कई प्रतियोगिताओं में जीत भी हासिल की। कविता जी ने 1960 के दशक के मध्य में इंटर मिनिस्ट्री क्लासिकल कॉम्पिटिशन में भी भाग लिया। जल्दी ही उनके लिए किस्मत के दरवाजे खुले और उन्हें लता जी के साथ गाने का मौका मिला। ये मौका उन्हें संगीतकार हेमंत कुमार ने दिया,
जिन्होंने उनसे टैगोर जी का गाना रिकॉर्ड करवाया। कुछ साल बाद कविता जी का परिवार मुंबई आ गया। कविता जी ने यहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज से शिक्षा ली। पढ़ाई के दौरान वो कॉलेज के म्यूजिक ग्रुप के साथ काफी एक्टिव रही और उन्होंने कॉलेज के दौरान कई प्रस्तुतियां दी। इस तरह कॉलेज में एक प्रस्तुति के दौरान उनका संपर्क मन्ना डे और लक्ष्मीकांत साहब से हुआ। मन्ना डे जी ने उन्हें एडवर्टाइजमेंट जिंगल्स में गाने का मौका दिया। कविता जी के अब फिल्म इंडस्ट्री में संपर्क बनने लगे थे, जो उनके करियर के लिए अहम था। मन्ना डे साहब की तरह ही उन्हें संगीतकार लक्ष्मीकांत जी ने भी मौका दिया। लक्ष्मीकांत जी ने उन्हें गायकी से पहले डबिंग कलाकार के तौर पर काम दिलाया। ये कविता जी का संघर्ष का दौर था और किस्मत भी उनका साथ नहीं दे रही थी। 1980 की फिल्म मांग भरो सजना में उन्हें पहला गाना रिकॉर्ड करने का मौका मिला, लेकिन फिल्म के फाइनल कट में ये गाना हटा दिया गया। मुश्किल के दौर में कविता जी ने धैर्य बनाए रखा और इंडस्ट्री में जमी रही। इस सब्र का फल उन्हें एक सुपरहिट गाने के रूप में मिला। 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं में कविता जी का ये पहला सुपरहिट गाना सामने आया। इस गाने के बाद कविता जी के लिए सफलता के द्वार खुल गए। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के अलावा अब अन्य संगीतकार भी उन्हें गाने का मौका देने लगे। 1987 की हिट फिल्म मिस्टर इंडिया कविता जी के लिए बड़ी सफलता लेकर आई। इसमें श्रीदेवी के लिए गाए गए उनके दोनों गाने यानी करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से और हवा हवाई हिट रहे। ये गाने भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी के कंपोज किए हुए थे। संगीतकारों की इस जोड़ी के लिए कविता जी ने बहुत से हिट गाने गाए। इन हिट्स की मदद से कविता 90 के दशक में बॉलीवुड में मुख्य पार्श्व गायिका के रूप में उभरी। 1942 अ लव स्टोरी में कविता जी को महान संगीतकार आर डी बर्मन के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में कविता के काम को बहुत ज्यादा सराहना मिली। नब्बे का दशक बढ़ता गया और कविता की सफलता की गवाह याराना, अग्निसाक्षी, भैरवी और खामोशी जैसी हिट फिल्में बनी। इन फिल्मों में कविता की खूबसूरत आवाज की मिठास बिखरी हुई है। 90 के दशक के सभी बड़े संगीतकार बप्पी लहरी, आनंद मिलिंद, एआर रहमान, इस्माइल दरबार, नदीम श्रवण, जतिन ललित और अनु मलिक के साथ कविता जी ने काम किया। मेरे
सफलता की चोटी पर उन्होंने वायलिनिस्ट डॉक्टर एल सुब्रमण्यम के साथ शादी कर ली। इसके बाद कविता जी अपनी गायकी को लेकर बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हो गईं और अब वो चुनिंदा गाने ही गाती हैं। एक जमाना था जब लक्ष्मीकांत जी या पंचम दाखिले में गाती थी तो एक दिन पहले रिहर्सल हुआ करता था, फिर सेट्स में तो पता चलता था कि क्या गा रहे हैं। आजकल ये ट्रैक फैसिलिटी के वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं चलता कि कौन सा गाना गाने वाले। सेट्स में आते हैं, गाना लिखते हैं, गाना याद करते हैं, गाते हैं, तो एक वो एक प्रैक्टिस की तरह हो गया है। पर इतना है कि थोड़ा बहुत होमवर्क वॉइस के लिए तो करना पड़ता है कि वॉइस को हम कायम रखें ताकि कल कोई स्टूडियो में पता नहीं किस तरह का गाना मिल जाए, कोई बहुत रागदारी मतलब राग पे बेस किया हुआ गाना मिल जाए या बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल का मिल जाए, तो वॉइस तो उतना तैयार होना चाहिए। उन्होंने इस दौर में फ्यूजन संगीत पर ज्यादा ध्यान दिया, जिसके लिए उन्होंने US, UK, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के साथ और भी कई देशों का दौरा किया। अपनी आवाज की प्रस्तुति से इन्होंने विश्व भर में लोगों का दिल जीता। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा परछाई सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा परछाई सपनों में, इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।